कॉन्सेप्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड इट्स ट्रांसमिशन पैटर्न. कृपा इज एडेड नाउ. कृपा एड है ना, कृपा आप एड है ना भाई, अभी अभी तो एड है ना. यस बैठिए भाई. चलो तो कमिंग टेस्ट में ओनली एंड ओनली जेनेटिक्स आएगा 200% कंफर्म, ठीक है ना. बी प्रिपेयर, घुमा फिरा के क्वेश्चन होंगे, अपने आप को प्रिपेयर करें सर. चलो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर है ये. क्या होता है इसमें? जिस पर्सन को ये बीमारी होती है वो पर्सन कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता. वो कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, रेड को, ग्रीन को एंड ब्लू को. इन तीन कलर को आपस में से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता. ऐसा नहीं इसको नजर नहीं पड़ती, दिखता है इसको, पहचानता है आपको, वर्ड्स को, कलर को पहचानने का प्रॉब्लम होता है. ये ब्लाइंड नहीं है, ब्लाइंड मतलब अंधा. कलर ब्लाइंड, कलर के हिसाब से अंधा है. अंधे का मतलब पहचानने की प्रॉपर्टी इसमें नहीं है. क्यों नहीं है पढ़ते हैं डिटेल में. ये जो पेशेंट होगा कलर ब्लाइंड का, इसकी ये जो बीमारी है इसके जीन है एक्स लिंक्ड. हाँ भाई कमेंट में बताएं एक्स लिंक्ड है तो, और एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है. कमेंट में बताएं फीमेल को अफेक्ट होने के लिए कितने जीन चाहिए और मेल को अफेक्टेड होने के लिए कितने जीन चाहिए. राइट इन द कमेंट सेक्शन. हाँ भाई कलर ब्लाइंडनेस कौन अफेक्टेड है यहां पर, कौन अफेक्टेड है? मेल. भाई एक ही जीन चाहिए, उसका अलील वाई पर है ही नहीं, ना डोमिनेंट है ना रिसेसिव, बल्कि अलील ही नहीं है इसका. इसका अलील ही नहीं है तो मेल रिक्वायर ओनली सिंगल जीन, वाइल द फीमेल रिक्वायर टू जीन टू बिकम द कलर ब्लाइंड सेम एज हेमोफिलिक पर्सन. इट्स परसेंटेज टू बींग कलर ब्लाइंड मेल एंड फीमेल इज क्वाइटली सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट वन. विच वन? टू हेमोफिला. हेमोफिला और कलर ब्लाइंड की जो ट्रांसमिशन है और होने की परसेंटेज है वो सेम है. दो जीन चाहिए, एक जीन चाहिए. ज्यादा बच्चे मेल अफेक्टेड होंगे, कम फीमेल होंगे. फीमेल तब होगी जब दोनों से जीन आएगा. ये पढ़े था ना कॉन्सेप्ट हमने, वही कॉन्सेप्ट है यहां पे भी. वो जो पढ़ा था कि मां से बेटे को बीमारी होगी, बेटे को बाप से नहीं होगी, वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा. वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहां पे. ठीक है भाई. हाँ वकार पानी भर यार. ओके ठीक है. चलो अब है क्या भाई, आपके आंख के अंदर एक लेयर है, एक पर्दा है जिसका नाम है रेटिना. रेटिना ये ना फोटोग्राफिक प्लेट है. फोटो छपते हैं यहां पे किसके, जिसको आप देख रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं, बोर्ड को आप देख रहे हैं. अभी आपके खोपड़ी के अंदर जो मेरी पिक्चर बन रही है, ये जो पिक्चर बनाता है ये रेटिना बनाता है. अगर अंधेरा हो, लाइट ना हो तो ये बनाएगा,
इट मीन्स आपको नजर पड़ेगी, दिखाई देगी नहीं। इसका मतलब रेटिना पर लाइट आती है और रेटिना उस लाइट को यूज करता है, एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट कलर्स को। तो भाई लाइट के कलर्स के अंदर डिफरेंट एनर्जी है, वेवलेंथ है, उसके अकॉर्डिंग रेटिना में दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, एक का नाम है रॉड सेल और दूसरे सेल्स का नाम है कॉन सेल्स। जो कॉन सेल्स हैं उनके अंदर जीन होता है, उस जीन का नाम है ऑप्सिन। ऑप्सिन एक्टिवेटेड जीन होता है ऑप्सिन। ये ऑप्सिन जीन एक प्रोटीन पैदा करता है, उस प्रोटीन का नाम ही होता है ऑप्सिन। ऑप्सिन जीन ऑप्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये जो ऑप्सिन प्रोटीन है, ये जो ऑप्सिन प्रोटीन है, ये लाइट के कलर्स को क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है, लाइट के मुख्तलिफ कलर को एब्जॉर्ब करती है। तो भाई जो ऑप्सिन जीन है वो कहां पे लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है। कहां पे लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है। एक ऑप्शन जीन है जो प्रोटीन बनाता है, ओनली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वो जीन को रेड ऑप्शन कहेंगे, प्रोटीन को रेड ऑप्शन कहेंगे, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। और दूसरा जीन होता है वो भी एक्स लिंक्ड होता है, एक्सपरी होता है, मगर वो जो ऑप्शन प्रोटीन बनाता है वो ऑप्शन प्रोटीन किसको एब्जॉर्ब करती है, रेड के अलावा किसको एब्जॉर्ब करती है, ओनली ये ग्रीन को करती है, रेड को नहीं करती। इट मीन्स रेड के लिए एक अदर जीन, एक अदर प्रोटीन बनेगी, ग्रीन के लिए एक अदर जीन है, एक अदर प्रोटीन बनेगी। उन दोनों जीन को नाम ऑप्शन देंगे, दोनों प्रोटीन को नाम ऑप्शन देंगे, मगर उनका काम अलग है, एक रेड को एब्जॉर्ब करने वाली और एक ग्रीन को एब्जॉर्ब करने वाली। बात समझ आ रही है मेरी? अब अगर ये जीन रिसेसिव हो तो मुझे बताएं, अगर ये ग्रीन वाला रिसेसिव हो तो ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाएंगे, अगर ये रेड वाला रिसेसिव हो तो नहीं पहचान पाएंगे। पता है जो जीन है ब्लू वाला ये एक्स पर नहीं है, ये है ऑटोसोम पर। तो अब बताएं अगर ये ऑटोसोम पर है, अगर ये ऑटोसोम पर है, एक्सलिंक्ड नहीं है, सेक्सलिंक्ड नहीं है, अब आप बता सकते हैं कि मेल और फीमेल में कलर ब्लाइंड जो ब्लू वाली है उसके होने के क्या चांसेस होंगे इक्वल, और दोनों कैरियर बन सकते हैं, मेल भी फीमेल भी, दोनों बच्चों को बीमारी होगी, बाप से भी मां से भी, दोनों को दो दो जीन चाहिए, सेम एज जैसे हेमोफिला सी थी। चलो यहां तक बात समझ आ गई, हेमोफिला रेड और ग्रीन वाली सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड है, और ब्लू वाली, तो ब्लू वाला ऑप्शन जीन ऑटोसोम पर है। चलो भाई अब बात करते हैं आगे चलकर कि भाई एक पर्सन जो होता है उसको कहते हैं ट्राइक्रोमेट। किसको कहेंगे? आगे हलवा है सर, बिल्कुल आगे हलवा है। ट्राइक्रोमेट उसको कहेंगे जिनको ये तीनों कलर नजर आए, तीनों कलर के बीच डिफरेंशिएट करे, कहे कि भाई ये रेड है, कहे कि भाई ये ग्रीन है, और कहे कि भाई ये ब्लू है, तीनों को डिफरेंशिएट कर पाए तो ऐसे पर्सन को कहेंगे ट्राइक्रोमेट। यानी अबनॉर्मल है या नॉर्मल है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ भाई नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? भाई सारे जीन काम कर रहे हैं, नॉर्मल है, वेरी गुड। अब अगर इस प्रॉपर्टी को नाम दूं मैं, कौन सी प्रॉपर्टी है? आप कहेंगे सर ट्राइक्रोमेसी। ट्राइक्रोमेसी का मतलब है तीनों कलर को देखने की प्रॉपर्टी जिसमें हो, प्रॉपर्टी को ट्राइक्रोमेसी कहेंगे, उस पर्सन को ट्राइक्रोमेट कहेंगे। आप कौन है?
ट्राई करो मेट है या नहीं, आप ट्राई करो मेट है, आपको ये ब्लू नजर आ रहा है, ये ग्रीन, ये रेड। चलो भाई अगर मैं पूछूं कि डाइक्रोमेसी क्या है, डाइक्रोमेसी बताएं, डाइक्रोमेसी क्या है और डाइक्रोमेट पर्सन क्या है, आप कहेंगे सर इन तीनों में से कोई दो कैरेक्टर देख पाए, एक को ना देख पाए, दो कलर को देख रहा है, इट मींस दो जीन डोमिनेंट है, नॉर्मल है, एक जीन इसके पास रिसेसिव है, भाई कौन सा है? अगर रेड वाला है तो वो रेड को नहीं डिफरेंशिएट कर सकेगा। अगर जैसे ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी पुराने जमाने में, तो उसको रेड वैसा दिखेगा, अगर ग्रीन वाला जीन नहीं है तो वो उसको ग्रीन वैसा दिखेगा, अगर ब्लू वाला जीन नहीं है मतलब रिसेसिव हो तो वो ब्लू वैसा दिखेगा। समझ आ रही है बात, जा रही है ना वेजे में? चलो चलो अब मैं नाम दे रहा हूं डाइक्रोमेसी के टाइप्स को। प्रोटानोपिया, प्रोटानोपिया ऐसे पर्सन को कहेंगे जिसको जिसको रेड दिखाई ना दे, ये डाइक्रोमेट का टाइप है, जिसको रेड दिखाई ना दे, इट मींस रेड के अलावा ये दो कैरेक्टर को देख सकेगा, कौन से को, ग्रीन को भी और ब्लू को भी देख पाएगा, रेड को नहीं देख पाएगा। डाइक्रोमेट हो गया कि नहीं, दो को देख रहा है एक को नहीं, तो ये प्रोटानोपिया ऐसे पेशेंट को कहेंगे, प्रोटानोपिक पेशेंट को कहेंगे और कंडीशन को प्रोटानोपिया कहेंगे। हां भाई दूसरा वाला ड्यूट्रानोपिया, ऐसा पेशेंट जो जो ग्रीन को ना देख पाए और ग्रीन के अलावा रेड को भी देख ले, उसके अलावा ब्लू को भी देख ले, किसको ना देख पाए, रेड ग्रीन को, ऐसे को कहेंगे ड्यूट्रानोपिया। चलो तीसरे वाला पेशेंट, ये जो तीसरे वाला पेशेंट है इसको कहेंगे ट्रिटानोपिया। ये ऐसा पेशेंट होगा जिसको नहीं दिखाई देगा ब्लू और दिखाई देंगे बाकी दो, कौन से भाई, ग्रीन भी और रेड भी। ओके ओके, ये डाइक्रोमेट पेशेंट के तीन टाइप हैं, कोई भी हो सकता है। अब एक और बात, कुछ बंदे होते हैं मोनोक्रोमेट, मोनोक्रोमेट और कंडीशन को मोनोक्रोमेसी, यानी इसका मतलब क्या हुआ बताएं, ये डाइक्रोमेट दो को देख सकेगा, दो विजिबल होंगे, दो को डिफरेंशिएट कर पाएगा, एक को नहीं, और ये इसको दिखेगा ये एक, मोनोक्रोमेसी यानी एक को देख सकता है, तीनों में से एक को देख सकता है बाकी दो नहीं। तो जो मोनोक्रोमेटिक होता है खास करके कौन सा होता है, मोनोक्रोमेट वाले को ग्रीन भी नहीं दिखाई देता और रेड भी दिखाई नहीं देता, ये दोनों दिखाई नहीं देते, और इसको दिखाई देता है कौन सा, ब्लू, यानी ये ब्लू को दिखाई दे, ब्लू को देख सकता है, कितने कलर को देख रहा है, एक को, तो ये मोनोक्रोमेट है, कंडीशन को मोनोक्रोमेसी कहेंगे। दो को नहीं दिख रहा, अब मुझे बताएं कि मोनोक्रोमेसी यानी रेड और ग्रीन को ना देख पाना ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, राइट इन द चैट बॉक्स। हां भाई फॉल्ट कहां पर है, एक्स लिंक्ड है, क्योंकि दोनों दोनों ये भी एक्स पर ये भी एक्स पर, अगर ट्रिटानोपिया हो रही है तो फॉल्ट कहां पर है, ट्रिटानोपिया हो रही है यानी ब्लू को नहीं देख सकता तो ये ऑटोसोमल की है, ये सेक्स लिंक्ड की है, ये भी सेक्स लिंक्ड की है, और मोनोक्रोमेसी को ट्रू
ट्रू कलर ब्लाइंड कहते हैं, ये ट्रू कलर ब्लाइंड है। ट्रू कलर ब्लाइंड ये होती है मोनोक्रोमेसी, और अमूमन अमूमन ये होती है रेड और ग्रीन वाली, बाकी भी हो सकती है। रेड ब्लू को नहीं देख सकता, ग्रीन ब्लू को नहीं देख सकता, ऐसे भी हो सकता है, मगर मोस्टली मोस्टली ये होती है कि रेड और ग्रीन को एक साथ नहीं देख सकता, ब्लू को ओनली देखता है। ठीक है, तो ऐसे को मोनोक्रोमेसी या एक्सलिंग या ट्रू कलर ब्लाइंड कहेंगे। और इसका ट्रांसमिशन जो होगा वो कैसे होगा, जिगजैग पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में, ये ट्रिटानोपिया जो है दोनों बच्चों को इक्वल हो सकती है क्योंकि ये ऑटोसोमल है। बात समझ आ रही है, आगे चलें। चलो भाई, तीसरा टाइप है इसका प्रोट एनामली, एनामोली। एनामोली क्या है? एनामोली का मतलब यह है कि पर्सन ट्राइक्रोमेट है, पर्सन जो पर्सन है वो ट्राइक्रोमेट है, मगर 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 क्या है, रेड को दिखाने वाला जीन या ब्लू को दिखाने वाला जीन या ग्रीन को दिखाने वाला जो जीन है वो ऑप्शन प्रोटीन बनाता है, मगर सही से नहीं, मगर वो थोड़ी एबनॉर्मल होती है, तो एबनॉर्मल होती है तो वर्क उतना सही नहीं करती। रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है मगर उतना सही नहीं, ब्लू को एब्जॉर्ब करेगी मगर उतना नहीं, ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगी मगर उतना सही नहीं। तो मुझे बताएं, यहाँ पे कलर तो दिखने को मिलेगा, रेड को रेड कहेगा, ब्लू को ब्लू कहेगा, ग्रीन को ग्रीन कहेगा, ट्राइक्रोमेट हो गया ना भाई। फॉल्ट क्या है? धुंधले धुंधले नजर आएंगे उसको, रेड ग्रीन और ब्लू में से कोई एक उसको या कोई दो, वो धुंधले नजर आएंगे। अगर धुंधले यानी ब्लर यानी उसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो कम हो जाएगा उन कलर्स के लिए, तो ऐसे पेशेंट को कहेंगे एनामोली। तो एनामोली में टाइप है, टाइप की एक्सप्लेनेशन आप बताएंगे, मैं जस्ट नाम लिख रहा हूं प्रोट एनामोली। हाँ भाई, क्या मतलब है इसका प्रोट एनामोली? ड्रिट एनामोली लिखें, लिखें कमेंट में, मैं पढ़ूंगा। ड्रिट एनामोली आपने कहा होगा कमेंट में कि सर प्रोट एनामोली वाला जो रेड कलर है उसका, उसको वो रेड कलर रेड दिखाई दे रहा है मगर ब्लर में, जैसे आपको अभी रेड ब्लर नजर आ रहा है, आप कलर ब्लाइंड नहीं है, पता नहीं ये रेड क्यों, इस कैमरा में फॉल्ट है, हमारे सामने जो कैमरा पड़ी है इस कैमरा को कलर ब्लाइंड है, ये प्रोट एनामली ये रेड को धुंधला दिखा रही है, ठीक है ना, आपका फॉल्ट नहीं है, तो बी रिलैक्स। हाँ, धुंधला दिखाई दे रहा है ना भाई, दैट्स द रीजन। ओके, तो अच्छा सही बताया आपने। और ड्यूट एनामली कहेंगे सर ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा मगर धुंधला, नॉट क्लियर। ओके, और ट्रिट एनामली में ब्लू ब्लू दिखाई देगा मगर नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, रेजोल्यूशन पावर कम हो गया है फॉर ओनली दिस कलर। ऐसा नहीं है सारी सारी नजर धुंधली नहीं है, अगर सारी नजर धुंधली होती तो ब्लाइंड कहते है ना, सारी नजर में प्रॉब्लम होता तो उसकी लेवल कोई कहते भाई नजर कमजोर हो गई है वगैरह वगैरह, ओनली फॉर पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर कलर, तो ये जो है फॉल्ट है किसी एक जीन में, एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली रेयर बिल्कुल। वो एजड पीपल में ये होता है, ओवरऑल उनको नजर नहीं पड़ती, मार्कर भी सही नजरेगी नहीं नजरेगी, मैं भी सही नहीं नजरूंगा, तो बोर्ड भी सही नहीं नजरेंगे, राइटिंग भी सही नजर नहीं आएगी, वो
एजेड पीपल में ये होता है, ओनली रेड का नजर सही ना आना ये प्रोटीन एनोमली है, ओनली ग्रीन का नजर सही नहीं आना ये क्या है, ड्यूट्रेन एनोमली। ओके चलो भाई, ये हो गई आपकी कलर ब्लाइंडनेस ट्रांसमिशन का, इसका आपको पता है। एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन अराइज करूंगा और आप मुझे समझाएंगे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। हाँ भाई, ऐसे ट्रेट जो पर्टिक्यूलर जेंडर में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, हैं दोनों में, मिलेंगे दोनों में इन्फ्लुएंस ट्रेट, मगर मेल में ज्यादा होंगे या फीमेल में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मेल। ऐसे कैरेक्टर जो दोनों में मिले मगर किसी एक जेंडर में वो कैरेक्टर ज्यादा हो, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। और जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट होते हैं बोथ जेंडर में मिलेंगे और मेल में और फीमेल में, दोनों में मिलेंगे, या मेल में ज्यादा होंगे तो फीमेल में कम, अगर फीमेल में ज्यादा तो मेल में कम, ड्यू टू द हार्मोनल इंबैलेंस, ड्यू टू द केमिकल इंबैलेंस। फीमेल और मेल में हार्मोन, कोई मेल में होता है कोई नहीं, इस्ट्रोजन मेल में नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन मेल में नहीं होता, एंड्रोजन मेल में ज्यादा होता है फीमेल में कम होता है, तो इन हार्मोन के लेवल की वजह से जो कैरेक्टर है वो इधर उधर है। चलो, और सेक्स लिमिटेड ट्रेट वो जो पर्टिक्यूलर जेंडर में पर्टिक्यूलर सेक्स में मिले, ओनली मेल में या फिर ओनली फीमेल में, अगर फीमेल में है तो मेल में, नहीं मेल में है तो भाई मुझे बताएं, मिल्क की प्रोडक्शन ओनली लिमिटेड टू द फीमेल, मेमोरी ग्लैंड्स का होना ओनली लिमिटेड टू द फीमेल, दाढ़ी और मूंछ होना ओनली लिमिटेड टू द मेल। हां भाई, हाइपर ट्राइकोसिस प्रोक्यूपाइन हेयर वेबिंग ऑफ टोज, याद आ रहा है, ओनली लिमिटेड टू द मेल। ये है फर्क, समझ आ रही है। अब सेक्स इन्फ्लुएंस की बात करूं तो मुझे बताएं नंबर ऑफ बॉडी हेयर्स, बॉडी पे हेयर का होना फीमेल में कम होते हैं और मेल में ज्यादा होते हैं, कौन सा नंबर ऑफ हेयर्स, टाइप ऑफ हेयर नहीं का, प्रोक्यूपाइन हेयर ये टाइप है, स्ट्रेट हेयर मेल में मिलते हैं, ओनली लिमिटेड टू द मेल, ओनली कानों पे बाल ओनली लिमिटेड टू द मेल, SRY ओनली लिमिटेड टू द टेस्टिस, ओनली लिमिटेड टू द ओवरीज, ओनली लिमिटेड टू द फीमेल, ओविडक्ट ओनली लिमिटेड टू द फीमेल, यूटेरस ओनली लिमिटेड टू द फीमेल, भेजे में जा रही है बात, सिंपल है भाई। चलो अभी फिर लौट क्या है, नंबर ऑफ बॉडी हेयर मेल में बॉडी पे हेयर ज्यादा होते हैं फीमेल में कम। भाई मैं रिपीट करता हूं, फीमेल में ओवरी का होना, ओविडक्ट का होना, यूटेरस का होना, जहां पे बच्चा डेवलप होता है, ओवरी जहां से एक पैदा होता है, ओविडक्ट जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, ओनली लिमिटेड टू द फीमेल।
मिल्क को प्रोड्यूस करना, मेमोरी ग्लैंड का होना, ओनली दिस कैरेक्टर पर्टिकुलरली लिमिटेड टू द फीमेल, व्हाइल द कैरेक्टर हैविंग टेस्टिस, हैविंग स्पर्म डक्ट्स, सीमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, हेयर्स ऑन द ईयर रिम्पेना, यू नो वेल अबाउट हाइपरट्राइकोसिस, प्रोक्यूपाइन हेयर एंड वेबिंग, दिस ऑल कैरेक्टर ओनली लिमिटेड टू द मेल जेंडर. याद आ रही है कुछ बातें, वही हैं, जस्ट हम उनको पर्टिक्यूलर कैटेगरी में रख रहे हैं. ओके ओके ओके, गॉट इट. हाँ भाई हाँ भाई, मांस, गोश्त, फ्लैश यानी मसल्स, किसमें मसल ज्यादा होती है मेल और फीमेल में से? कौन बॉडी बिल्डर ज्यादा होता है? मेल मेल मेल. ओके, फीमेल में भी होती है मगर कम, कंपैरेटिवली कम मेल से. चलो चलो, बाल्डनेस, गंजापन, गंजापन समझ रहे हैं? क्यों भाई मेल पर गंजापन आपको दोनों में मिलेगा मगर आपने फीमेल नहीं देखी क्यों नहीं देखी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मेल में ज्यादा जहां देखे मेल आपको मिलेंगे. हाँ, वो रीजन समझेंगे. व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन? देखें 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 दूसरा ये रीजन नहीं है भाई. सुने सुने सिद्धांत भाई, यूसरा सुने बाबा, छोड़े बस छोड़े, अब सुने मेरी बात. बेल्डनेस जो है वो मेल के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर के जीन से होती है, मेल के अंदर डोमिनेंट जीन से होती है. तो भाई एक डोमिनेंट जीन आया अभी मेल बेल्ड हो गया, दो आए भी बेल्ट, इसीलिए मेल ज्यादा आपको बेल्ट मिल रहे हैं, ठीक है ना. व्हाइल द फीमेल विल बी बेल्ड व्हेन इट हैव टू रिसेसिव जीन्स, इट मींस इन फीमेल द बेल्डनेस इज एन रिसेसिव ट्रेट, इन मेल द बेल्डनेस इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट वंस. अब बताएं मेल और फीमेल में गंजापन ज्यादा क्यों है? मेल में एक जीन से भी मेल हो जाएगा, फीमेल तब होगी जब उसको मां से भी और बाप से भी जीन मिलेगा. समझ आई? ओके, कैरियर हो सकती है फीमेल, मेल नहीं हो सकता. तो भाई क्या ये फीमेल है तो ये बेल्ट है? नहीं नहीं, ये भाई नहीं, ओनली दिस, ये भी नहीं, ये भी नहीं. तो बेल्डनेस का, मास का, नंबर ऑफ हेयर्स का, ये जो कैरेक्टर है ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है, ठीक है. चलो ये भाई आपकी जेनेटिक्स कंप्लीट हो गई. यहां पे चैप्टर आपका हैज गॉन. एक सवाल मैं लास्ट में पूछता हूं आपसे, आई होप आप जल्दी जल्दी में मुझे बता देंगे. सेक्स लिंक्ड डिजीज के नाम बताएं, कमेंट में लिखें जल्दी, सेक्स लिंक्ड डिजीज के जो भी नाम है, जो भी नाम है बताएं. कलर ब्लाइंडनेस गुड, हेमोफिला गुड, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन, एनामली, कौन सी वाली एनामली? प्रोटेनामोली, ड्यूट्रेनामोली, ट्रिटेनामोली,
प्रोटेनामोली एंड ड्यूट्रेनामोली मोनोक्रोमेसी प्रोटनोपिया ड्यूट्रनोपिया कलर ब्लाइंड ए और बी जो है हेमोफिला ए एंड बी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये कल ये सेक्स लिंक्ड है और एक्स लिंक्ड है। गुड, इस मंडे पे टेस्ट नहीं होगी भाई। तो भाई मुझे बताएं ये कलर ब्लाइंड और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ये हेमोफिला, अब आपने बताना है मुझे यहां से जो बच्चे मिलेंगे कितने परसेंट ओवरऑल बच्चों में से अफेक्टेड होंगे, कितने कैरियर होंगे, कितने नॉर्मल होंगे, या नॉर्मल और कैरियर बताने हैं, नॉर्मल और अफेक्टेड बस। ओके, 25% कह रहे हैं, करके देखें, अफेक्टेड 25 कह रहे हैं, ये एक्स एक्स दोनों तरफ से भाई ये फीमेल अफेक्टेड, और ये एक्स और वाई ये भी अफेक्टेड, कैसे कहा आपने 25%? आओ, और ये मेल फीमेल कैरियर और ये मेल नॉर्मल, 50% नॉर्मल 50% अफेक्टेड, एक जो है कैरियर है एक बिल्कुल नॉर्मल है, दो अफेक्टेड है। अगर मैं पूछूं मेल कितने हैं दो, फीमेल कितनी है दो, तो अगर मैं पूछूं ओवरऑल से यानी चारों से कितने अफेक्टेड हैं, तो आप कहेंगे दो, इट मींस 50 आउट ऑफ फोर, 25 25 25 25, दो अफेक्टेड। अगर मैं पूछूं आउट ऑफ फीमेल, ओनली आउट ऑफ फीमेल, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फीमेल बेबी आर अफेक्टेड, दो में से मींस 50%। ओके, हाँ यहां पे क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि फीमेल कोई भी अफेक्टेड नहीं होगी भाई, क्या कह रहे हैं आप, नहीं होगी, क्योंकि यहां से भी जीन का आना जरूरी है, अगर नहीं है। ओके, तो ये डिस्ट्रॉफी वाला जीन अगेन फीमेल कैरियर, ये डिस्ट्रॉफी वाला जीन मेल हैज गॉन भाई, ये मेल बेचारा गया काम से गया, 20 साल के अंदर टिकट कट जाएगी, हैज गॉन, समझ आ रही है ना, और ये बच गई, ये भी बच गया, ओनली 25% बेबी विल बी अफेक्टेड, 25 कैरियर और वी कैन से 75 नॉर्मल, ठीक है ना, 75 नॉर्मल इंक्लूडिंग कैरियर। हाँ, यहां पे क्या होना है, इज एनी फीमेल बेबी विल बी अफेक्टेड बाय द हेमोफिलिक डिजीज इन दिस केस, अज्यूम नो, व्हाई, बिकॉज द फीमेल बेबी विल बी अफेक्टेड व्हेन व्हेन देयर इज अ जीन मस्ट बी कम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, इट मींस द मेल मस्ट बी अफेक्टेड एंड द फीमेल मिनिमम द फीमेल मस्ट बी कैरियर, इफ द फीमेल इज अफेक्टेड एंड मेल इज ऑल्सो अफेक्टेड देन द होल प्रोजेनी इन ऑफ स्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, देर इज नो चांस ऑफ नॉर्मल बेबी। चलो कल हम पढ़ेंगे पेडिग्री और उसके बाद कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के हवाले से, मंडे से इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा अपना, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ नाई चथी भाई।